आए हम लोग चेकआउट कर रहे हैं अब बैंकॉक से और जा रहे हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं पटाया जा रहे हैं बीच पे क्योंकि विहान को बीच पे खेलने का बहुत मन है। 2 घंटे लगेंगे हमको बाय कार और फिर हम पटाया पहुंच जाएंगे। अभी पटाया जाने के रास्ते में हाईवे पे हम एक फूड कोर्ट में रुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे जगह खाने पीने की ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सब कुछ है और यहाँ पे आप रुक करके कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है जैसे हमारे कंट्री में होता है वैसे ही। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे थाई फूड ज़्यादा है और इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। मैकडोनल्ड्स डोनट्स ये सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर। डंकिन डोनट्स गिफ्ट करो उससे नहीं हाँ उससे अभी एक ही करना था ये ना तो हम आ गए हैं पटाया बीच। ये थाईलैंड का सबसे इनफेमस बीच है बट आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत है। मेरे पीछे ये सबसे ख़राब बीच होने के बावजूद यहाँ का पानी बिल्कुल साफ है और ये विहान आते के साथ खेलना शुरू कर चुका है सैंड पर। मम्मा ये देखो कैसा ट्रक है। बहुत अच्छा ट्रक है। घर ले जाएंगे कैसे? हाँ लेके जाएंगे। एक मज़ेदार बात हो गई हमारे साथ। हमने ये जूसेट थाने में बुकिंग की थी बट यहाँ पे जब चेक इन करने के लिए आए तो मैडम ने बोला कि आपकी बुकिंग जो है वो कैंसिल दिखा रही है। अभी हम अभी पुलक गए देखने के लिए कि क्या कर सकते हैं हम और या तो फिर से दोबारा से बुकिंग करनी होगी। देखते क्या होता है आगे बताएंगे आपको। फाइनली हमें हमारा रूम मिल गया है। हमारी एजेंसी की तरफ से कुछ इशू हुआ था तो अब हम जा रहे हैं। आई थिंक सामान वाला हमारा ऑलरेडी रूम के बाहर खड़ा है। तो ये है हमारा रूम और 2 नाइट्स के लिए हमारा घर। ये है वॉशरूम। और 2 बेडरूम है। यहाँ पे अलमीरा है और इसमें बालकनी नहीं है बट ऑफ कोर्स आपको और रूम्स मिलेंगे बालकनी के साथ के। इनका प्राइवेट बीच है जो कि इनके स्विमिंग पूल के ठीक सामने है। ये जो खाली एरिया है ये उनका प्राइवेट बीच है और उधर जो सारी एक लाइन से शॉप्स नज़र आ रही हैं वो पब्लिक बीच है। तो हम पब्लिक बीच की तरफ जा रहे हैं क्योंकि विहान उस तरफ ही कहीं खेल रहा है एंड आई थिंक आई कैन स्पॉट हिम। काफ़ी कम लोग हैं काफ़ी कम टूरिस्ट हैं। अभी हम बीच साइड एक कैफे में बैठे हैं। ग्रीन टी। हाँ ग्रीन ट्री रेस्टोरेंट। ग्रीन ट्री रेस्टोरेंट। एक चीज़ है जब आप थाईलैंड आ रहे हैं तो कोकोनट से रिलेटेड जो भी आपको दिखे आपको ज़रूर टेस्ट कीजिए। यहाँ का कोकोनट काफ़ी मीठा होता है। यहाँ के सारे फ्रूट्स बहुत मीठे होते हैं और कोकोनट आइसक्रीम आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तक हमने खाया नहीं यहाँ पर लेकिन वो मेरा फेवरेट है। उसमें राइस और सब कुछ डाल करके वो बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है कोकोनट आइसक्रीम। बट विहान को बहुत खांसी है तो वो नहीं खाएगा। ये है हमारा लंच। हमें थाई फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये इसमें विहान का केक है और ये है पुलक का लंच। हमने फ़िश केक ऑर्डर किया था बट अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो गया है तो शायद शाम में हम खा पाएँ। ये क्या है? ये सैलेड है श्रिम्प सैलेड बट इसमें कॉकटेल सैलेड विद ग्लास नूडल्स।
द स्काई में एक ब्यूटीफुल पोस्ट सनसेट रेडिश ह्यू है, देखे बहुत ही खूबसूरत है। ये दूसरा पूल एरिया है जो हमने सुबह में देखा था, वो अलग था और ये अलग है। ये एक बच्चों के लिए फिश के आकार का पूल है और प्रॉपर्टी तो बहुत सुंदर है, ये काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टी है। ये जो एरिया है ये इस प्रॉपर्टी का एकदम ही प्राइवेट एरिया है और ये बीच काफ़ी सुंदर जगह है। और ये रात में देखें आप पटाया सिटी, वहाँ दूर में ग्लो साइन है पटाया का, आई डोंट नो अगर कैमरे में आ रहा है क्या नहीं। और ये थर्ड पूल है, तो तीन पूल्स हैं। ये एक रेस्टोरेंट है जो कि बिल्कुल पूल के बाहर है, एज इन पूल इसके ठीक सामने है। और ये सामने रहा बीच, यहाँ पे लाइव काउंटर्स हैं, ग्रिल हो रहे हैं। बट जब आप थाईलैंड आए तो स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करें, इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अपने स्कूटर्स में, अपने व्हीकल्स में स्टॉल्स लगाते हैं और सातेज आप चूज़ कर सकते हैं, वो आपके सामने ग्रिल करेंगे और फिर देंगे आपको, और बहुत ही अमेजिंगली डिलिशियस होता है। और ऐसे तो लोग कहते हैं कि पटाया बेसिकली बहुत ही इट्स काइंड ऑफ एन इनफेमस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, बच्चों के साथ लोग आने में दो बार सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू सी एंड व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर। और बच्चों के लिए भी इक्वली अच्छी जगह है ये। यहाँ से थोड़ी दूर पे श्री राजा पार्क है जहाँ पे आपके बच्चों के साथ आप ले के जा सकते हैं, टाइगर्स और लायंस के साथ फोटोग्राफ्स ले सकते हैं अपने, और कोलान जा सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, स्नॉकलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर डॉल्फिन एरियम है जहाँ पर जाकर के डॉल्फिन शो देख सकते हैं आप। बट अगर आपने बैंकॉक में सफारी वर्ल्ड गए हैं अपने बच्चे के साथ तो फिर इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी लगभग सेम चीज़ें ही कवर होती है। वहाँ पर भी डॉल्फिन शो होता है, वहाँ पर भी आप के पास काफ़ी सारे फ़ोटो ऑप्स होते हैं विथ ओरांगोटन, विथ टाइगर, विथ लायन, तो इतना ज़रूरी नहीं है जाना। बट ऐसा नहीं है कि आप पटाया अपने फैमिली और बच्चे के साथ नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप कहाँ जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 7-Eleven आपको अक्रॉस थाईलैंड हर जगह मिल जाएगा और ये काफ़ी अच्छा और इकोनॉमिकल जगह है जो बाय योर फूड आइटम्स। और ये देखिए ये यहाँ का टुकटुक ऐसा है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, काफ़ी सस्ते में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सो बैक टू 7-Eleven, यहाँ पे पहले तो सूवेनिर्स भी मिलते थे और अल्कोहल भी मिलता था, लेकिन अभी अल्कोहल के टाइम की बिक्री पे कुछ उन्होंने रोक लगा दी है। और ये देखें ये फ्रूट स्टॉल्स, ये हमारा फेवरेट है, फ्रूट्स इनके काफ़ी फ्रेश होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली गुआवा। ये देखिए ऐसे स्कूटर के साथ अटैचमेंट है इनके स्टॉल का, और जहाँ जहाँ जाते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है हमको, ये डोना कबाब बेच रहे हैं। आज हम ये ड्रिंक ट्राई कर रहे हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक लीची। तो एक चीज़ तो आप जब भी कोई नई जगह पे ट्रैवल करते हैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें खाने पीने के लिए मिलती हैं और एक्सपीरियंशियल काफ़ी होता है, और स्पेशली थाईलैंड में तो आपको काफ़ी यूनिक चीज़ें मिलेंगी। हमने तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी टेस्ट किए हैं फ्राइड, और क्रोकोडाइल मीट भी ट्राई किया है पहले। और ये जर्मन सिंगल मॉल। सो चीयर्स। तो हम इस टुकटुक से एकदम एंड ऑफ द बीच रोड आ गए जहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट चालू होता है। वॉकिंग स्ट्रीट हम लोग एडवाइस नहीं करेंगे कि आप बच्चों के साथ जाएं, क्योंकि ये एकदम टॉप प्रोस्टिट्यूशन एरिया है। बट फिर भी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर एक आइसक्रीम वेंडर है जिससे हमको आइसक्रीम खिलवाना है विहान को,
तो हम बस स्टार्ट में जा करके वापस आ जाएंगे। और यहाँ तक टुक टुक से आने का जो कि काफ़ी था, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स होगा, हमारा 20 बात लगा है हम तीनों का, जिसमें ऑफकोर्स विहान का तो फ्री था। साढ़े 8 बज रहा होगा और ये काफ़ी डिसेंट टाइम है अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो, अदरवाइज धीरे धीरे जब रात होती रहेगी तब काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होने लगेंगी जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है फॉर नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स लाइक अस। ये मोरक्कन आइसक्रीम वाला स्टॉल हमें दिख गया है, बट वो मोरक्कन नहीं है, थाई नेशनली है, पहले मोरक्कन था, बट इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए हम विहान को लाए हैं फॉर एग्जाम्पल। डिस्काउंट फॉर द बेबी। ओह थैंक यू। 120 था, 120 बात इसका। और बिहान चूँकि मैदान छोड़ करके भाग रहा था इसलिए जल्दी ख़त्म करके उसको आइसक्रीम दे दिया, वरना वो रोने लगता शायद। बट अदरवाइज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था और हम यही दिखाने आए थे बिहान को। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग कम्युनिटी की, इसलिए जो यहाँ की जो यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट पे जो पुलिस होते हैं वो अलग अलग कम्युनिटी के होते हैं, ताकि कम्युनिकेशन पब्लिक के साथ बेटर हो सके। तो आप वॉलंटियर कर सकते हैं यहाँ पर टू गार्ड द वॉकिंग स्ट्रीट। ये देख लें आप एम्स्टरडैम के जैसे ही यहाँ पे भी लीगल हो गया है और चप्पे चप्पे पे मिलेगा आपको कैनबी। मसाज पार्लर्स आपको पूरे थाईलैंड में आप जहाँ भी जाएं आपको बहुत सारे मिलेंगे और काफ़ी सस्ते में मसाज और बहुत ही अच्छा मसाज करते हैं। ये शायद ये देखें इनका रेट कार्ड, शायद पहली दफ़ा होगा जब हम अभी तक, ये हमारा थर्ड डे है, एक बार भी हमने मसाज नहीं कराया। पहले हम दिन में शायद दो दो बार कराते थे, चलते थे, घूमते थे, थक जाते थे, फिर मसाज करा करके वापस घूमना स्टार्ट कर देते थे। स्ट्रीट शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये, आप काफ़ी कुछ यहाँ से खरीद सकते हैं, सुवेनिर्स खरीद सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट आपको काफ़ी मिलेंगे एंड दिस इज़ नॉट जस्ट इन पटे और बैंकॉक, अक्रॉस थाईलैंड आपको बहुत सारे मिलेंगे। और स्पेशली जब देखेंगे कोई देसी आ रहा है तो उसको ज़रूर आवाज़ दे दे करके ये रेस्टोरेंट वाले बुलाते हैं,
तो हमें तो थाई फूड बहुत पसंद है इसलिए हम खाते नहीं हैं, लेकिन बिहान बेचारा जब से आया है यहाँ पर कि पिज़्ज़ा डोनट पे ही सर्वाइव कर रहा है, तो हम इसके लिए कुछ पैक करवाने वाले हैं अभी यहाँ पर। तो ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ हम आए हैं, बट बेसिकली ये जो है वो एक इट्स रन बाय नेपलीज पीपल एंड यहाँ पर उर्दू और हिंदी दोनों में ही मेन्यू है और सारे देसी आपको नज़र आएंगे यहाँ पर खाना खाते हुए। सो बेसिकली यहाँ पर बर्मा के काफ़ी सारे नेपाली हैं जो कि आए हुए हैं और काफ़ी घुल मिल गए हैं यहाँ के क्राउड से। दिखने में दे ऑल स्पीक थाई एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक्चुअली थाई नेशनल्स हैं या नेपलीज हैं, बट हिंदी उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आती है और बोल भी सकते हैं ऑफकोर्स बिकॉज द लैंग्वेजेस आर वेरी सिमिलर। तो दिस रेस्टोरेंट वॉज रन बाय अ नेपली, सो वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर विहान एंड देन वी विल कम बैक एंड वी विल कलेक्ट इट। और अभी थोड़ी शॉपिंग करते हम यहाँ पे थोड़ा स्ट्रीट फूड खाने वाले हैं, ये सब चिकन मीट है, बट जो बौद्धिस्ट हैं वो पोर्क और बीफ दोनों ही खाते हैं, तो आप पूछ लें, टूटी फूटी इंग्लिश तो सभी बोलते हैं। ये ग्रिल करेंगे यहाँ पर और फिर हमें देंगे। कितने का है एक पता है हमको? 20 या 30 बात का एक होता है और बड़े अच्छे से नीटली एक पॉलिथिन में एक स्टिक के साथ पैक करके देते हैं। ये देखिए सामने में एक और है हैप्पी ग्रिल इंडियन रेस्टोरेंट, काफ़ी मिल जाएंगे अगर आप थाई फूड नहीं खाते हैं। काफ़ी लोगों को स्मेल से प्रॉब्लम होती है फिशेस की, तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। और ये देखिए ये जो डी टेलर है, इस तरह के टेलरिंग शॉप्स काफ़ी फेमस हैं ऑल अक्रॉस थाईलैंड। ये आपको एक दिन में सूट स्टिच करके दे सकते हैं, पार्टी ड्रेसेस स्टिच करके दे देते हैं और काफ़ी रीजनेबल रेट में। साथ ही यहाँ पे आपको जगह जगह पर कपड़े धोने का भी शॉप मिलेगा जो कि किलो के हिसाब से काफ़ी रीजनेबल रेट्स में चार्ज करते हैं और आपके कपड़े कुछ घंटों में धो करके सुखा करके भेज देते हैं आपके यहाँ पर। ये ग्रिल हो रहा है हमारा और 20-30 नहीं बल्कि ये टोटल 3 स्टीक्स का नहीं, 30 बात ले रहे हैं, मतलब 10 बात ईच ले रहे हैं। जेम्स भी काफ़ी बिकते हैं, इनफैक्ट कुछ टैक्सी ड्राइवर्स आपको लेकर जाएंगे कुछ कुछ शॉप्स में बिकॉज उनको मैंडेट दिया जाता है और कमीशन मिलता है अगर कोई परचेज़ होता है तो। बट ऑफ कोर्स इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया तो वहाँ पर ही काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको और कुछ दिखाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया हो तो। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।